channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सीटों को लेकर अखिलेश यादव लगातार जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधियों का ऐलान कर रहे हैं, इस कड़ी में एक सीट की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और वो सीट कोई और नहीं बल्कि गाजीपुर की है। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बसपा ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया था और उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री राज्य लेवल के रहे मनोज सिन्हा, जो अभी LG हैं जम्मू कश्मीर के, उनको जबरदस्त तरीके का मात दिया। लेकिन इस बार जिस तरीके से BSP का पूरा सिस्टम चल रहा है उसको लेकर BSP का साथ छोड़कर अफजाल अंसारी सपा के साथ आ गए और अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी पर भरोसा जताया और इस कड़ी में उनके जो भतीजे हैं, मुख्तार अंसारी के भतीजे या फिर उनके भतीजे कह लें मनु अंसारी, जो मोहम्मदाबाद सीट से विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं गदगद नजर आए हैं। अफजाल अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी के बेटे हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो गदगद नजर आए हैं। और ये जब टिकट मिला तो अफजाल अंसारी ने ये भी कहा कि हम अखिलेश यादव को ये सीट जीत कर थैंक यू बोलेंगे और उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए हम अपने बाप दादाओं का जो जमीन है वो तक बेच देंगे, लेकिन ये चुनाव में किसी भी तरीके से मात देंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर भी बात कहा कि उन्होंने तो अभी तक कोई उम्मीदवार भी नहीं दिया है। इस कड़ी में अब जो सुहेब अंसारी, जो मनु अंसारी हैं, उन्होंने जो लिस्ट आया था उसकी साझा करके लिखते हैं कि गाजीपुर की समस्त जनता की ओर से मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूर्वांचल के गांधी माननीय श्री अफजाल अंसारी सांसद जी को गाजीपुर से प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया है। जय समाजवाद। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भतीजे के तौर पर जो विधायक है, उनके अगर चाचा को इतना बड़ा लोकसभा टिकट मिलता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आपको क्या लगता है, गाजीपुर से अफजाल अंसारी जीत पाएंगे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।